हेलो जी, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं सब ठीक ठाक होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। अभी सुबह के करीब 8:30 होने को हैं और आज के खूबसूरत से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे नानी गांव मधमेश्वर घाटी के खूबसूरत से गांव रांसी गांव से। तो कल का ब्लॉग आप लोगों ने देखा होगा कि मैं आई थी भाई की मेहंदी में। तो आज जो है बारात है, तो हम लोग बारात में जाने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं और खूबसूरत सा सफ़र आप लोगों को दिखाते हैं और साथ में जो पहाड़ी शादी होती है वो आपको दिखाती हूँ। तो अभी मौसी जी भी कल आ रखे थे शादी में, तो इनकी तैयारी भी हो गई है घर जाने की। बाय बाय, ढंग से जाए वाह। अच्छा रे, हाँ घरे बोल। तो चल, तो यहाँ पे मामा जी हैं, कह रहे मेरे को ब्लॉग में निकालो। भैया भी थोड़ा बहुत तैयार हो गए हैं, बाकी यहाँ पे मेहमानों की तैयारी हो रही है जाने की। और यहाँ पे जो है न्योता लिखाया जा रहा है, जो कि पहाड़ी शादियों में लिखाया जाता है इस तरीके से। चलिए जी, अभी सुबह के करीब 9 बजने को हैं और बारात प्रस्थान अभी हुई नहीं है, लेकिन गाड़ियाँ जितनी भी हैं पूरी खचाखच भर चुकी हैं और हम लोग भी अपने अपने सीट में बैठ गए हैं। तो चलिए चलते हैं। बारात प्रस्थान हो चुकी है, तो खूबसूरत सफ़र में आगे बढ़ते हैं और आज का जो सफ़र है वो बहुत लंबा होने वाला है। आगे बढ़ते हुए हम लोग मधमेश्वर घाटी के मेन मार्केट उखीमठ में पहुंच गए हैं। और आजकल क्योंकि शादियों का सीज़न जोरों पर चल रहा है, तो मार्केट में बहुत सारी भीड़भाड़ देखने को मिल रही है। तो चलिए जी, खूबसूरत से सफ़र में आगे बढ़ते हुए अभी हम लोग पहुंच चुके हैं गौचर में। और आजकल यहाँ पे मेला लगा हुआ है, तो मार्केट में बहुत सारी भीड़ देखने को मिल रही है। तो चलिए जी, अभी करीब 4 घंटे का सफ़र तय करने के बाद अभी हम लोग पहुंच गए हैं गौचर में। और यहाँ पीछे वाली सीट में जो भी बैठे हैं सब लोग कह रहे हैं कि यूट्यूबर बता नहीं रहा है हम लोग कहाँ पहुँचे हैं।
और मैं यहाँ सो सो के बोर हो रही हूँ, तो अभी थोड़ा जाम लग गया है, उसके बाद चलते हैं अगर जाम जो भी। हम लोग गोजर से थोड़ा आगे आगे हैं और इस साइड को रोड थोड़ा बहुत कच्ची है, तो और जो गाड़ी वाले हैं सारे ड्राइवर लोग इस साइड को नहीं आए हुए हैं, सबके लिए नई जगह है तो सब लोग रुक गए हैं। जब सारी गाड़ी आ जाएंगी तो सारी जितने भी बाराती लोग हैं सब एक साथ आगे को निकलेंगे। ये तो
जाएगा।